समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, जेपी एनआईसी को लेकर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में अपने घर के बाहर श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें लगातार आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रतिमा भी साथ लाए, माला भी साथ लाए। बीच सड़क पर अखिलेश ने किया माल्यार्पण। लखनऊ में जेपी एनआईसी पर जबरदस्त हंगामा। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप भी मढ़े हैं और कहा कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी के द्वार कथित तौर पर टीम की चादरों से ढक दिया गया ताकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर ना जाएं। लेकिन वहीं ऑफिशियली स्टेटमेंट यह आया कि सुरक्षा कारणों से अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया। नारेबाजी इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन बयानबाजी कल रात से ही लगातार जारी है, जब एकदम से अखिलेश यादव देर रात पहुंच गए सीधे जेपीएनआईसी और वहां पर उनको एंट्री नहीं मिली। उसके बाद से पहले बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ और अब आप सड़कों की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आप देखेंगे अखिलेश यादव उनके साथ उनके कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। 20 सड़क पर ही न सिर्फ माल्यार्पण किया गया बल्कि प्रतिमा भी अपने साथ लाए, अपने साथ माला भी लेकर आए और 20 सड़क पर ही माल्यार्पण किया। जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और इस मौके पर एक बार फिर लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आया। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि के लिए आड़े हुए थे। सरकार उनके कैंपस में जाने पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर चुकी थी। इसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले, उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश ने घर से करीबन 50 किलोमीटर दूर जाकर बीच सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने वहां उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि हम तो जयंती मनाकर रहेंगे, जेपीएनआईसी के रखरखाव व निर्माण पूरा करना, जनता को खोलने की तैयारी इसकी सरकार की थी। 70 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट बीस पे हो चुका था। अखिलेश हमला बोलते हुए नजर आए, ये अखिलेश के बयान थे। लेकिन जो सरकारी बयान सामने आया उसमें कहा गया कि सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया। फिलहाल आप देख रहे हैं एक तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती, आप देख रहे हैं वहां पर किस तरह से फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे ना पढ़ पाए। लेकिन दूसरी तरफ आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने अपने घर से 50 किलोमीटर दूर सड़क के बीचों बीच माल्यार्पण भी किया। प्रतिमा साथ लेकर आए कार्यकर्ता, माला भी साथ लेकर आए और बीच सड़क पर आखिरकार अखिलेश ने किया माल्यार्पण। लखनऊ में जेपीएनआईसी पर जबरदस्त हंगामा लगातार जारी है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ के, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे सियासी पारा एकदम से चढ़ गया। जेपी की जयंती पर यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिंदाबाद की नारेबाजी और तमाम नारेबाजियों का सिलसिला लगातार जारी। नीलेश मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे नीलेश का रुख करते हुए। नीलेश, लखनऊ की सड़कें जिसको अदब का शहर कहा जाता है, वहां पर इस वक्त सड़कों पर सपा कार्यकर्ता माल्यार्पण अखिलेश करते हुए और अभी की मौजूदा तस्वीरें क्या है? देखिए, मैं इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं। सीधा तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि दिखाएं। यही वो प्रतिमा है जयप्रकाश नारायण जी की, जिस पर कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया था। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कल जब ये ऐलान किया था कि जेपीएनआईसी में जाकर जो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे, उससे पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपीएनआईसी के गेट पर जो है टीन सेट लगाकर गेट बंद कर दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय का दफ्तर हो उसके अगल बगल बैरिकेडिंग की गई, अखिलेश यादव का जो आवास है वहां पर बैरिकेडिंग की गई, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव किसी भी दशा में जेपीएनआईसी पहुंचकर माल्यार्पण ना कर सकें। जब चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया, उसी दौरान अखिलेश यादव ने पोडियम के ऊपर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को रखा, उसी पर माल्यार्पण किया है। इस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता थे वहां पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण ना करने देना सरकार की ये नाकामी है। सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है कि कहीं एकजुट होकर अगर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए तो जिस तरीके से 2024 के परिणाम आए हैं 27 में सरकार को वही परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, उसका जवाब जो कार्यकर्ता है वो आगामी चुनाव में देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों के अंदर उपचुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक पदाधिकारी भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे, अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर ही पोडियम के ऊपर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को रखकर उस पर माल्यार्पण किया। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी
अगर उसे अब सड़क से यहाँ पर लेकर आए हैं तो क्या अब उनको जगह समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मिलने वाली है? देखिए बिल्कुल अभी ये कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि जो आपको सामने हॉल दिख रहा है इसी हॉल में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही कार्यकर्ता अखिलेश यादव के आवास का गेट के बाहर एकत्रित होना हो या फिर पार्टी कार्यालय के बाहर हो, तो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और कार्यकर्ता सुबह से ही नारेबाजी कर रहे थे कि पुलिस जिस तरीके से निरंकुश होकर उन पर अंकुश लगाना चाहती है उसको कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को देखते हुए जब चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई और बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव को रोकने का काम किया गया, तो उस दौरान इस प्रतिमा को मंगाया गया था जिसको पोडियम के ऊपर अभी भी आप देख सकते हैं कि पोडियम के ऊपर प्रतिमा रखी हुई है और जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस प्रतिमा को कहां रखा जाएगा अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बाहर आएंगे तो तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आगे की रणनीति क्या है। हालांकि अखिलेश यादव ने माल्यार्पण के बाद ये बयान जरूर दिया है कि जब भी पुलिस का पहरा हटेगा वो JPNIC जाएंगे और जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। जिस बैठक का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या किसी बड़ी स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है? क्योंकि एक तो यूपी में उपचुनाव है और यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिहाज से भी अभी जो भी हम घटनाक्रम देख रहे हैं उसका सियासी जुड़ाव जरूर है, क्योंकि जिस समाजवाद का नारा दिया था क्या उसी समाजवाद के नारे को भुनाने की कोशिशें भी हो रही हैं सपा की ओर से? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव सुबह अपने आवास से निकले उनका कहना था कि वो JPNIC जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वापस अपने आवास पर या कार्यालय वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, उसके बाद कार्यकर्ताओं का एक लंबा हुजूम समाजवादी पार्टी कार्यालय के दफ्तर के बाहर या फिर कहे कि अखिलेश यादव के आवास के बाहर मौजूद था। कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ साथ अखिलेश यादव ने जब माल्यार्पण किया तो उन्होंने ये जरूर साफ तौर पे कहा है कि जब भी पुलिस का पहरा हटेगा वो JPNIC जाएंगे। सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हुजूम कर देखकर डरी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से ये भी कहा गया कि आखिर सरकार ये बताए कि किस वजह से JPNIC जाकर उनको माल्यार्पण करने से रोका गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी अभी इस पर बयान जारी नहीं हुआ है कि आखिर अखिलेश यादव को वहां पर जाने से क्यों रोका गया है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि अखिलेश यादव को इसलिए वहां पर जाने से रोका गया है क्योंकि वहां पर जो है बारिश की वजह से तमाम जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो आ सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से रोका गया है। गेट पर जो है टीन सेट लगाकर गेट को बंद करने का काम किया गया है। आवास के अगल बगल अगर हम बात करें तो सुरक्षा का एक बड़ा घेरा तैयार किया गया था। जाने को लेकर इतना ज्यादा सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, इस JPNIC का कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है? बारिश हो रही है, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, इससे इतना इम्पोर्टेंट ये है कि अभी कहां तक काम पहुंचा है कि किस कारण से यहां पर इस तरह की जो बात है वो भी लखनऊ प्राधिकरण कह रहा है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि वर्ष 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उसी दौरान JPNIC को बनाने का काम किया जा रहा था और अखिलेश यादव का ये JPNIC सेंटर एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि 17 के बाद जब सरकार बदली उसके बाद से उस प्रोजेक्ट को वहीं पर रोक दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये कहा गया कि JPNIC जैसे जो बड़ा सेंटर बनाया गया है सरकार उस पर ध्यान दे, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से उस सेंटर को बनाया जा रहा था। ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को पूरा कराकर जनहित के लिए खोला जाए। फिलहाल उस JPNIC सेंटर की अगर हम बात करें तो JPNIC सेंटर में काम पूरी तरीके से बंद है। हालांकि जिस समय काम बंद हुआ था उस समय JPNIC का लगभग 70-80% जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण से किस लिहाज से दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर कीड़े मकोड़े आ सकते हैं या फिर अखिलेश यादव की जो सुरक्षा का मामला है उसको लेकर उनको वहां पर आने से रोका जा रहा है। फिलहाल 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जब अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर JPNIC पहुंचे थे उस दौरान भी गेट को बंद किया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश के आगे अखिलेश यादव जिस तरीके से 2023 में गेट को फांदकर JPNIC सेंटर के अंदर गए थे जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया था, वैसी तस्वीरें दोबारा से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना दोहरा सके, अखिलेश यादव वहां पर ना पहुंच सके, इस लिहाज से जो है चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और बड़े पैमाने पर चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, PAC हो, CRPF हो, RAF हो, सभी जवानों को अलग अलग
जगहों पर तैनात किया गया और कार्यकर्ताओं के बीच में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जवानों को भी लगाया गया ताकि जो कार्यकर्ताओं की रणनीति है उसको भी पता चलता रहे। तो कहीं ना कहीं अभी की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और कार्यकर्ताओं और अखिलेश यादव के बीच में वार्ता चल रही है, एक रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे जो है आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ाना है। सरकार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने से रोक रही है तो उसको कैसे भेदा जाएगा, उन तमाम पहलुओं पर अखिलेश यादव की बात हो रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर भी यूपी में जो कार्यकर्ता मौजूद है। नीलेश बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं और मुख्य मुकाबला भी सपा वर्सेस बीजेपी ही होने वाला है इन उपचुनाव में भी। लेकिन एक तरफ दोनों ही पार्टीज की बात करते दोनों की साख दांव पर इसलिए लगी है क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सीटें हारी तो दूसरी तरफ बढ़त पाई समाजवादी पार्टी ने। अगर उस बढ़त को बरकरार नहीं रखा जाता तो एक नेगेटिव परसेप्शन तैयार होगा समाजवादी पार्टी के प्रति और अगर बीजेपी कामयाब नहीं होती सीटें बढ़ाने में तो बीजेपी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट जरूर होगा। इसलिए दोनों पार्टीज अपनी अपनी साख को बचाने के लिए पुरजोर कोशिशें करती नजर आ रही हैं। आज जेपी जयंती और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अड़े रहे कि उनको जाना है एनपीएनआईसी और जब उनको एंट्री नहीं मिली तो सड़क के बीचों बीच ही माल्यार्पण किया गया।